On the auspicious occasion of Ram Navami, when the birth of Sri Ram was being celebrated at noon in Ram Mandir after 5 centuries, Mr. Anil Bhai Nayak and Mrs. Geeta Ben Nayak, along with the members of L&T, graced Shanti Mandir Magod with their presence. They also brought along with them a few dignitaries, one of them being Mrs. Aarti Shah, who serves on the boards of many companies, including NVIDIA, and non-profit organizations, including Srimad Rajchandra Love and Care USA. We offer our heartfelt gratitude to Mr. and Mrs. Nayak for their continued support and encouragement to expand the work of Sri Muktanand Sanskrit Mahavidyalaya, the Vedic Gurukul within the campus of Shanti Mandir Magod. We invite all of you to come forward and support the noble endeavors of Shanti Mandir to uplift society. Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. May all beings be content. गुरुदेव ने संदेश भेजा है, सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज 500 वर्ष बाद राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, गौरव का विषय है। अनिल भाई ने भी आज का दिवस चयन किया है शांति मंदिर मगोद में आने के लिए। उनका प्रवेश भी 12 बजे श्री राम जन्म के समय होगा। फर्स्ट तो रामनवमी का सबको शुभ शुभकामना। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगी थोड़ा हिंदी में बोलने की। एंड फर्स्ट आई वुड जस्ट लाइक टू बाउ डाउन टू श्री महावीर स्वामी देवाय नमः, परम कृपाणु देवाय नमः, प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। और आपने बोला कि आश्रम से आए हम लोग सब, अभी श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर आश्रम से ही आए हैं, और 1.5 घंटा पूज्य गुरुदेव श्री की सत्संग खत्म करके आए हैं, सुन के आए, खत्म नहीं सुन के आए। और उन्होंने वही बोला कि आप आरती और मेरे को क्वेश्चन बोला, सो परावर्तना चल रही थी आज, सो हम सत्संग सुनते तो वो बोलते सुनना एक थिंग है कि एक चीज़ है कि सुनो, पर आप सुनते हो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कि सत्संग हो रहा है चलो जाते हैं टाइम पास के लिए जाते हैं, कि सत्संग के बाद आप श्रवण तो करते हो, लेकिन श्रवण के बाद मनन और निधि ध्यासन भी बहुत बहुत ज़रूरी है, और आप वो करते हो कि नहीं। सो उसके लिए वो खुद हमारी एग्जाम लेते हैं, ऐसे लाइव हम लोग लिख के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दे सकते, वो क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर देना पड़ता है। वैसे तो जैसे अनिल भाई ने बोला कि मैं सब जगह बोल सकती हूँ, लेकिन जब गुरुदेव क्वेश्चन पूछते हैं तब पसीना छूटता है। और आज ही इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को पूछा और बोला, कार्ती आप जब भी कॉर्पोरेट में जाओ, आपको इंट्रोड्यूस करो तो पहले बोलो कि मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य त्रिकाली हूँ, उससे जुड़ान करो कि आप कौन हो, शुद्धात्मा हो आत्मा से, और फिर आपका नाम बोलो कि ओके मैं आज आरती हूँ और ये रोल कर रही हूँ। मेरे को इतना ही बोलना है, आई जस्ट वॉन्ट टू से आई कैंट इवन अभी बोल सकती हूँ मिस्टर नायक, लेकिन उन्होंने मेरे को छूट दी है कि मैं उनको अनिल भाई और गीता भाभी बोल सकती हूँ। उन्होंने इतना प्यार दिया है, हम लोग पहली बार मंडे को मिले, लेकिन ऐसा
लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इतने बड़े व्यक्ति से मिल रही हूँ. मेरा हो भाग्य पर श्रेयस, आई नेवर फेल दैट. आधे घंटे की मीटिंग में ढाई घंटा कहाँ गया. और गीता भाभी, आपने तो जस्ट यू मेड इट इतना होमली, यू मेड इट. मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारा धन्यवाद है. वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोग सब जो ट्रस्टीज श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर और श्रीमद राजचंद्र लवर केयर से आज यहाँ है कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपके साथ रामनवमी मना रहे हैं और स्पेशली विथ अनिल भाई और गीता भाभी के साथ हम लोग ये रामनवमी मना रहे हैं. सबको शुभ शुभकामना एंड मे एवरी वन रीच देयर स्पिरिचुअल हाइट्स. जो भी आपका लक्ष्य है स्पिरिचुअल हाइट्स के में आप लोग, और इट्स सो गुड टू सी द यंग किड्स, द बॉयज एंड गर्ल्स, ब्यूटिफुल के ये लोग बच्चे लोग को सीख सकते हैं और वो वैदिक आध्यात्मिक के तरफ रास्ते पे जा रहे हैं. इट्स सो प्राउड. मैं अमेरिका में बसती हूँ श्रेयस, और मैं 35 साल से वहाँ है, पढ़ने के लिए गए थे. लेकिन बच्चों, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, हमारे भविष्य आप हो, और टू सी दिस इट्स ब्यूटिफुल. सो सब आचार्य यहाँ जो भी, और ट्रस्टी मंडल को भी मेरा खूब खूब प्रणाम और नमस्कार. एंड वंस अगेन अनिल बहन की तब अभी थैंक यू. कुछ भूल चुक हुई हुई बोलने में, सो सॉरी. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी का. अनिल काका से ही निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आप बोलते हैं. आप बोलते नहीं बोलते, पिछली बार बहुत अच्छे बोले थे आप हम सब के लिए. जी जी, मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ. मेरी शुभेच्छा आप सबको. आज रामनवमी का दिन है, बहुत बहुत शुभ दिन है. वो दिन को हमें इधर आने का मौका मिला, इससे भी कुछ भगवान की कृपा ही होगी. मेरे इनके पिताजी आश्रम के साथ जुड़े हुए थे गणेशपुरी में. बाद में उसकी हिस्ट्री है, बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने इधर स्थापित किया है ये आश्रम. और मैं हमेशा करीबन 15 साल पहले आया था, मे बी 16-17 साल पहले, तो मैंने देखा कि इधर रहने का जगह नहीं था. तो मैंने दो बिल्डिंग बनवाया था, एक इनके पिताजी के नाम पर, एक इनके माताजी के नाम पर, प्राध्यापक के लिए. फिर एक दिन मैं वापस 2 साल के बाद आया तो ये चिल्ड्रन के पास बराबर पढ़ने का जगह नहीं था. ओल्ड गुरुकुल स्टाइल में होता था, वो करना चाहिए ओल्ड गुरुकुल स्टाइल में. इसीलिए ये हमें आखा कैंपस बनाया है. उसका कैपेसिटी 300 है, लेकिन मैं हमेशा उनके पीछे रहता हूँ. 300 कब बनता है वो बोलो. तो अभी बोल रहे हैं कि 200 तो बन जाएगा. मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ. 200 का 250, 250 का 300. सो मैं तो यही बोलूँगा कि ये हमारी कुटुंबिक बहुत आत्मीयता है ये आश्रम के साथ. और मेरा वाइफ जो है उसकी तो बहुत बहुत आत्मीयता है, और उसने मेरे को इन्फ्लुएंस करके मेरे में भी आत्मीयता ला दी है. सो आप सबको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना. आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, PhD पढ़ो. हाँ, संस्कृति को आगे बढ़ाओ. संस्कृति अपनी है, वैल्यू सिस्टम जो है, संस्कार है, उसको आगे बढ़ाओ. और आप जैसे जो पुरानी जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, पुराना संस्कार है, पुरानी अपनी पढ़ाई की नीति है, ऐसा आपके जैसा तो मोर देन लाख तुम्हारे जैसा स्टूडेंट चाहिए. नॉर्थ इंडिया में बहुत है, लेकिन बाकी जगह पर इतने नहीं हैं. तो आश्रम को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ. और इनको पता है कि मैं जल्दी से संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. हमने मुंबई में एक स्कूल खोली है, उसके ओरिजिनल प्लानिंग थी 2,350 स्टूडेंट, 2,350. 2 साल का वेट लिस्ट हो गया. आखा एरिया में वो नंबर 1 स्कूल हो गया. अभी किसी को एडमिशन दे नहीं सकते, तो
छः महीने पहले मैंने तय किया कि अभी उसको डबल कर डालो, तो वो एरिया में ये बिगेस्ट 4,050 स्टूडेंट की जो स्कूल है वो बनने वाली है, और उसको कितना टाइम लगा? 3 साल। 3 साल में किधर से किधर। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ नित्यानंद जी को कि बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी सीमा ही नहीं है। उतना मैं मैनेजमेंट को, मैं तो बोला हूँ मुक्तानंद नित्यानंद जी को कि हमें एक टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए इधर, जो बराबर ढूंढ ढूंढ के अच्छे स्टूडेंट लाए, बराबर HR पॉलिसी करे, अकाउंटिंग बराबर देखे। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में है। तो ये आश्रम अगर बढ़ाना होगा तो हमको थोड़ा बहुत ये सब बात में सोचना पड़ेगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपका बात में सोचता रहता हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी बहुत सोचती है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी धक्का लगता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत शुभेच्छा देता हूँ रामनवमी के दिन, और आगे बढ़ो, और हम सब आपके साथ हैं। मैं एक हमारी आरती बहन की पहचान करवाता हूँ, नहीं पहचान करवाता हूँ, ये साधारण बाई नहीं है। आप लोग कितना पढ़े हो, दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो NVIDIA करके कंपनी है $1 trillion की, No. 3 उनका बोर्ड पर है। एन लीली एक बहुत ज़बरदस्त फार्मा कंपनी है, उसके बोर्ड पर है, और अभी अभी स्विट्ज़रलैंड में सैंडोज के मैनेजमेंट ने उसको अपने बोर्ड पर लाने की रिक्वेस्ट की, उसने एक्सेप्ट किया है। इसके सिवाय इतनी बड़ी बड़ी पदवी होने के बाद फिर भी वो कनेक्ट है NGO के साथ, उनको उसका पति देव की बहुत सपोर्ट रहता है, और धर्मपुर में उनका बड़ा आश्रम है, बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है। हम परसों जाने वाले हैं उधर, तो साल में 3 दफ़ा आते हैं अभी भी अमेरिका से, 3-4 महीना रह के जाते हैं। इसका नाम बोलता है संस्कार, कि जो अपने देश को नहीं भूले। इतने सालों गुजर गए, पढ़ी उधर लिखी उधर, पढ़े उधर लिखे उधर, लेकिन अपनी इंडिया की संस्कृति को नहीं भूले। इसीलिए मैं खास करके उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये लोगों ने ये देश में, धर्मपुर तो आपको पता है बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल क्राइब्स, हम खुद काम कर रहे हैं उधर धर्मपुर जिले में, तालुका में, और डांग में काम कर रहे हैं इधर इसके नज़दीक में, अपार्ट फ्रॉम इधर, तो बहुत एक्टिविटी इतने में है, तो मेरा तो कभी न कभी तो आता रहना रहेगा, और मैं एरिया में आऊं और आश्रम में नहीं आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और देश को ऊपर लाओ। थैंक यू। पुनः खूब खूब अभिनंदन अनिल नायक साहब को, काका जी को, और साथ में गीता बहन, जो निरंतर उनके व्यस्त होने पर भी वो अपना सत्संग कभी नहीं छोड़ती हैं। विशेष रूप से जो मालती निवास का सत्संग होता है उनमें उनकी उपस्थिति रहती ही है, और ऐसे महान लोगों के साथ जुड़ने पर स्वाभाविक है संस्था अग्रसित होती है, आगे जाती है।